और सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड की राजनीति से हटाए जा सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उनको हटाया जाए। जल्द संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला संभव है और विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव भी होगा। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने जानकारी बड़ी दी है कि लगभग तय हो गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद से हटाए जा सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का फैसला देखिए बहुत जल्द हो सकता है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खबर है रमन, उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ सकता है। कैसे देखा जाए अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत हटते हैं सीएम पद से, कोई नया चेहरा होता है तो उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यही है कि विधायकों की नाराजगी काफी ज्यादा त्रिवेंद्र सिंह रावत से थी और विधायक पार्टी आलाकमान के सामने आकर लोकसभा चुनाव से पहले भी करीब 19 विधायक आए हुए थे और उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठाया था और उनका ये कहना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो अगली सरकार बीजेपी की नहीं बन सकती है। खास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी से कुछ बड़े नेता आए हुए थे, चाहे सतपाल महाराज का नाम आप लीजिए या और भी कई ऐसे नाम हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, जो अभी मंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार में, उनकी नाराजगी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत से थी कि वो विधायकों की बातों को नहीं सुनते, मंत्री के कामों को तवज्जो नहीं देते, उनका जो काम करने का तरीका है वो ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। ऐसे में उसके बाद ये फैसला हुआ कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया और उत्तराखंड में विधायकों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी पार्टी आलाकमान को, उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय हुआ कि अब। लेकिन रमन, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो क्या उससे पहले इतना बड़ा जोखिम मोल लेगी बीजेपी, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा? देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर कोई बीजेपी का दूसरा व्यक्ति, बीजेपी का कोई कोई विधायक जो कि वरिष्ठ विधायक है, जो संगठन से जुड़ा हुआ है, पार्टी का भरोसेमंद है, अगर वो मुख्यमंत्री बनता है, वो विधायक दल का नेता बनता है तो किसी दूसरी पार्टी को इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 साल के बाद चुनाव होने वाला है। ऐसे में जहां चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर पांडिचेरी में, उसका उस के ऊपर इसका कोई असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि अब ज्यादा देरी करने के बाद और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो विधायक अभी तक असंतुष्ट हैं, जो विधायक खुश नहीं है त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने की शैली से, वो विधायकों की नाराजगी बढ़ सकती है, हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लें। इसीलिए पार्टी आला कमान ने फैसला किया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब और रमन, एक और इतिहास में एक खबर ऐड हो जाएगी कि अभी तक कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, एनडी तिवारी को अगर छोड़ दें तो। ये उत्तराखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है। रमन, फिलहाल के लिए शुक्रिया।